नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, शिक्षा के महत्व को देखते हुए मैं आप लोगों के बीच में ना केवल शिक्षा के वीडियो बल्कि जो सफलतम व्यक्ति उनके वीडियो भी आप लोगों के बीच में शेयर करता रहता हूँ, जिससे कि आपको डायरेक्ट मोटिवेशनल मिले। ऐसा मोटिवेशनल जो रियलिटी पे आधारित हो, आपके अनुभव, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, अनुभव सबसे ज़्यादा सिखाता है। इसलिए जो भी सफलतम व्यक्तित्व है उनका मैं डायरेक्ट इंटरव्यू आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। तो आज एक ऐसे ही सफलतम व्यक्तित्व को मैंने आमंत्रित किया, जिनका नाम है श्री सुरेंद्र आचार्य जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आप अपने शब्दों में अपना परिचय कराइए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद पवन जी। मैं सुरेंद्र अग्निहोत्री, साहित्य आचार्य, बीएड, और मेरी जन्मभूमि बंधु ग्राम पंचायत बिलसाए, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है बिलसाए से शुरुआत होती है, हाई स्कूल के उपरांत मेरी जो रास्ता है वो संस्कृत आध्यात्मिक क्षेत्र वाली शिक्षा है। देवनगर से शास्त्री, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से साहित्य से आचार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनकी महती कृपा को स्वीकारते हुए लेते हुए मैं अपने एक शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए बीएड किया। और इसके उपरांत जो मेरे अंदर एक तपन्ना थी कि मुझे शासकीय शिक्षक बनना है, इसके लिए मैं जो है अपना कमर कस करके एकदम उसके प्रयास में लग गया। और व्यावसायिक शिक्षा ये भी परीक्षाएं जो अनन्य हुई, कोई भी कंपटीशन की परीक्षाएं, संस्कृत का छात्र था पर कोई भी, यानी पीएससी से लेकर जो भी कंपटीशन की परीक्षाएं हैं सबको मैंने जो है ग्रहण किया। अंततो गत्वा, होना ना होना ये प्रभु की मर्जी है, उस पर संभव हुआ कि नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन उसके उपरांत जो है उसी का पहलू, उसी का जो एक अंग कहना चाहिए, उसी से संबंधित कार्य मुझे इस जेपी सीमेंट बाबूपुर में मिला। जो एक रिलीजियस टीचर यानी धर्म शिक्षक के रूप में, यानी आचार कंपनी का जो होता है उसके रूप में, एम्प्लॉय के रूप में सेवा दे रहा हूँ। लेकिन ये भी एक प्रारब्ध है, गया शिक्षक बनने ही, संस्कृत की पोस्ट निकली और रीवा गया। कई लड़के थे बेचारे हमारे, हर विषय के थे, हमारे भी बहुत थे। घटते घटते दो चार में दो लोगों का हुआ, एक बालक चला गया, सीधे मेरा हुआ यहाँ। और जब से अभी तक इसी सपड़ में हूँ और यहाँ पर जो है अपनी मैं सेवा दे रहा हूँ, जो आज पवन जी के माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ। धन्यवाद आचार्य जी। आपने जैसे कि बताया, आप करंट में भिलाई जेपी सीमेंट प्लांट में पुरोहित की पोस्ट पे हैं, और आपने बताया कि आपने आचार्य की पढ़ाई की, बीएड की पढ़ाई की, और आप एक टीचर बनने गए थे और टीचर बनने का उद्देश्य लेके बहुत सारी तैयारी की और उसमें आप निकल भी गए थे, लेकिन किसी कारणवश टीचर की जॉब आपको नहीं मिल पाई। तो उसको, उससे आप डिमोटिवेट ना होके बल्कि मोटिवेट होके आगे बढ़ते गए, उस सफर को आपने कैसे तय किया? बस पवन जी, उसमें मेरे अंदर जो एक इच्छा शक्ति थी वो ये थी कि मुझे नौकरी करना है। हालांकि हमारा एक आध्यात्मिक की परंपरा के नाते, हम लोग संस्कृत के छात्र होने के नाते पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन, वैदिक जो परंपराएं हैं, हमारी सनातन धर्म की जो प्रणाली है उसके माध्यम से समाज में हमें यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ के माध्यम से भी हमें जो है एक कहना चाहिए प्लेटफार्म मिलता है। पर उसको ये था कि मेरा वो तो है ही, पर मुझे शिक्षक बनना है। लीजिए, इसी तमन्ना से अपना मैं आया आचार्य बीएड के बाद, तो तैयारी करता रहा, परीक्षाएं देता रहा, संयोग वसात जब खाली समय रहता था तो यज्ञ अनुष्ठान, हमारे परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव जी जो शुक्ल जी हैं, प्रिंसिपल थे देवनगर के, उनके माध्यम से हमने कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण की। उनका एक आदर्श और उनका सिद्धांत को ग्रहण करते हुए, और विशेष आदर्श मेरे जो थे स्वर्गवासी परम पूज्य कंदोभा धाम गुरु जी, उनके सानिध्य में भागवत आदि में रहने लगा। संयोग वसा शिक्षक की पोस्ट निकली। ये हुआ कि चलिए, व्यापम तो पास हूँ, निकला हूँ, होगा जब तक तब तक फ्री हायर यहीं करें। और चूंकि वो एक कंपनी का काम था तो गया जेपी नगर, इंटरव्यू दिया शिक्षक का, शिक्षक में चयन हुआ हायर शिक्षण के लिए। लेकिन प्रभु की क्या कृपा थी ठाकुर जी की, कि उन्होंने जो है शिक्षक में तो चयन किया, अब हुआ, पर उन्होंने जो है मुझे छोड़ा ही नहीं। आखिर उसी के एक स्वरूप कहना चाहिए, अंग कहना चाहिए, आज जो है भगवान की सेवा के निमित्त जो है एम्प्लाई बना करके और अपने जो है सेवा में रख लिए, हो गया मेरा कहना चाहिए कि गए थे हरि भजन को ओंटन लगे कपास, मन में कुछ और था, हुआ कुछ और, ये ठाकुर जी की ऐसी कृपा है। बहुत बढ़िया आचार्य जी। देखिए, इनका टीचर बनने का लक्ष्य था, लेकिन और ये टीचर की पोस्ट के लिए गया था, उसका इंटरव्यू भी दिया, लेकिन कंपनी ने इनको चाहा कि आप
टीचिंग के लिए हमारे पास और अदर ऑप्शन है, लेकिन आप आचार्य बहुत अच्छे हैं, पूजा पाठ आप बहुत अच्छे से कराते हैं, हमारे जो एम्प्लॉय है उनको एक सामाजिक माहौल बरकरार रखने में अपना विशेष रोल अदा करेंगे, उन लोगों को ऐसा लगा, तो एज ए इनको पुरोहित अपॉइंट किया भिलाई जेपीसी प्लांट में। और इससे लगातार ये न केवल सामाजिक, धार्मिक और एजुकेशन संबंधित अपने विचार रखते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अपना विशेष योगदान देते रहते हैं। तो आइए इनसे और इनके अनुभव जानेंगे कि इस चीज़ को कैसे फेस करते हैं। तो आचार्य जी, और आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपका यहाँ पे वर्क फील्ड क्या, किस तरह से आप मंदिर पे पूजा पाठ कराते हैं, और जो सीनियर एम्प्लॉयज़ है और भी कर्मचारी उनको कैसे अपनी धार्मिक प्रेरणा देते रहते हैं, तो थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए पवन जी, ऐसा है कि चूँकि कंपनी का एक जो सिस्टम है हमारे यहाँ, कुछ पूजा पाठ जो है कंपनी की तरफ से निश्चित हैं, हर पर्वों की कुछ पूजाएं हमारे यहाँ होती हैं, कॉलोनी के अंदर जो है मंदिर प्रांगण में कुछ प्लांट में होती हैं, इन सब को जो है हम लोग बैठ कर करते हैं, और हाई लेवल के अधिकारियों से लेकर के सभी आम वर्कर तक उपस्थित होते हैं, और इसके जो मुख्य यजमान जो है विशेष अधिकारी जो हमारे यहाँ के निर्देशक, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट वगैरह हुए, वही होते हैं, और ये सब जितने भी पर्व हैं सभी मनाए जाते हैं। और इसके उपरांत जो है कभी हमारी फैक्ट्री बंद हुई, चालू हुई, अकाउंट पूजा है, कोई उद्घाटन है, कोई कुछ है, ये सब को करते हैं, और नवरात्रि आदि जो है दिव्य जो है सांस्कृतिक, जैसे आपने चर्चा किया तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मुझे ये बहुत कुछ पसंद था। एक मैं कहना चाहिए कालिदास का, मैंने मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी के थ्रू कर्ण भारम का मैंने नाटक मंची कार्यक्रम किया था, संयोग के साथ चूँकि अब उसका समय नहीं मिल पा रहा, और इसके बाद मुझे कीर्तन, भजन, संगीत आदि इसकी भी रुचि है, मैं उतना संगीतकार तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को कहना चाहिए उस पर सुनने का अथवा जो भी टूटा फूटा बनता है प्रस्तुति देने का मुझे शौक है। और आपने कहा सामाजिक दायरे, तो मेरे जो सिद्धांत में था पवन जी, मैं जो है एक ऐसा बनना चाहता था या होना चाहता हूँ या सोचता हूँ कि अपने जीवन तक नहीं, अपने लिए नहीं, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए, और इस हर जनमानस के लिए जिए, तभी तो हमारा मानव जीवन लेना ये कहना चाहिए एक महत्वपूर्ण है। तो मैं अन्य अन्य संगठनों में भी कार्य करता हूँ, और उसके माध्यम से जो है अपनी राष्ट्रीयता या सामाजिकता या जन समुदाय के बीच में बने रहने के लिए या मातृभूमि की रक्षा के लिए जो मेरा एक निष्ठा है उसको भी मैं फेस करता हूँ। उसमें से मैं अन्य संगठनों में भारत रक्षा मंच में जो है कार्य करता हूँ, वर्तमान में महाकौशल प्रांत का प्रांत मंत्री भी हूँ, संस्कृत भारती है उसके माध्यम से हम जो है मध्य प्रदेश संस्कृत बोर्ड की तरफ से, मैं बीच में रहा भी कटनी जिला में, और हम लोग जो है संस्कृत बोलना सिखाते थे, आम बोलचाल की भाषा जो है वो तो संस्कृत में हमें आम जनता को कराना है, स्कूल में रहे, स्कूल के माध्यम से गांव में भी रात में भी क्लासें लेते थे, वो भी उसमें भी जुड़ा हूँ, उसको भी करता हूँ अभी भी, क्योंकि शारीरिक रूप से नहीं पर कहीं ना कहीं उससे मेरा अनुराग, उससे प्रेम, उससे प्यार अभी भी बरकरार है, जो उसको धारणा मेरे मन में है, और वक्त और समय आने पर उसको मैं कहीं ना कहीं कवर करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आचार्य जी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। आचार्य जी, आप इतने अच्छे ढंग से पूजा पाठ कराते हैं और भी अदर काम भी, एक्टिविटी भी साथ में समाहित करके चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको, जिनकी जो पोस्ट है यानी कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है, अगर वही कर्म मिल जाए, जैसे कि पूजा पाठ तो लगभग सब लोग करते हैं डेली रूटीन में, और अगर वो एक प्रोफेशनल रूप में भी आपको मिला है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। आप बनना तो टीचर चाहते थे, लेकिन टीचर क्या, टीचर एक सामाजिक दायरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, सामाजिकरण में विशेष योगदान देता टीचर का, तो आप सामाजिक सेवा करना भी एक टीचर का ही काम है। टीचर क्या, टीचर का काम है हमेशा सीखना और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है, ये टीचर का काम रहता है, वो काम आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, और जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है तो वो आपका इस माध्यम से पूरा हो रहा है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। तो ये तो आप वह आपका निजी अनुभव, लेकिन हमारे जो कॉम्पिटिशन विद्यार्थी लोग है और हमारे जो समाज के लिए, उसके लिए आपके लिए बहुमूल्य मैसेज आपको देना होगा, तो आप थोड़ा सा हमारे जो प्रतियोगी बच्चे हैं उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपना बहुमूल्य मैसेज दीजिए। देखिए पवन जी, ऐसा है कि चूंकि मैं एक संस्कृत का छात्र था, मूलतः जो हम लोग की जो इंग्लिश, एंग्ल भाषा और मैथ, इससे थोड़ा सा कमजोर हम लोग रहते हैं, पर मैं चूंकि कोई भी कंपटीशन में और स्वयं का चिंतन करंट में हमारे दिमाग में क्या, मैं कहना चाहिए कि अपने एजुकेशन के हिसाब से मैं जब परीक्षाएं दिया करता था तो थोड़ा बहुत बच्चे बेचारे कहीं ना कहीं हेल्प, मैं ये सोचता था कि बैठा तो नीचे को शुरू किया तो
तो सीधे परीक्षा के पश्चात ही उठता था। मुझे ये लगता है कि जो मेरा आत्मविश्वास है, आत्मबल है, वही सबसे अच्छा है। और मैं ऐसा नहीं कि अपने से बगल वाले सामने वाले लड़के को अच्छा मानता हूँ, मुझे ये लगता था नहीं वो गलत हो सकता मैं से हूँ। इस नाते से मैं जो है कंपटीशन की परीक्षाएं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, कहना चाहिए अभी तर्क शक्ति वगैरह है और कई चीज़ें हैं मेरा जो है, चूँकि एक तो मुझे कहना चाहिए बहुत कई सालों से यानी मुझे रोजगार जो अखबार होता है पेपर समाचार ये पढ़ने का शौक़ है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ा नहीं था, टीवी वगैरह कभी देखा नहीं, कुछ नहीं किया। लेकिन जो मेरे अंदर जो एक कहना चाहिए धारणा थी, कोई भी कंपटीशन को मैं अपने आत्मबल, अपने विश्वास, अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से करता था और किसी में भी उसमें कम भी नहीं हुआ। और वो पुस्तकें और वो जो प्रश्नों को मैं हल करता था, तो मुझे यही लगता है कि जो हमारे आज कंपटीशन के लिए हमारे साथी भाई लोग हैं तैयारी करते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, आत्मबल और अपनी धारणा और अपने, मैं नहीं मानता कई बार की उस चीज़ को हम बहुत किताबें पढ़ना, बहुत स्मरण करना, रटना, उसका भी प्रभाव। मुझे ये लगता है कि कई बार उसका रिसर्च करना चाहिए, कोई क्वेश्चन आता है उसको एक बार पढ़िए, पढ़ करके जरा सोचिए। कई बार ऐसा होता है कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि जरूरी नहीं कि आप पढ़ें और या किताब से ही आए, पुस्तक से ही आए, या उसको जब आप देखें नहीं तो आप कर ना सकें। कभी ऐसा भी होना चाहिए कि आपने अध्ययन नहीं किया फिर भी क्वेश्चन को हल कर लें। इस ढंग से जो है आगे मैं एक उदाहरण देता हूँ, 2007-08 में व्यापम की परीक्षा हुई, तो अब उसमें जो है कई तरह के प्रश्न, एक प्रश्न मुझे याद है उसमें पूछ दिया कनगड़िया महादेव कहाँ है, ऑप्शन बहुत आए, कोई झारखंड, कोई बिहार, कोई मध्य प्रदेश, लेकिन कोई नहीं समझ पाया। लेकिन मैं खजराहा काहे को मैं वहीं छतरपुर के पास नगाँव किसी कार्यक्रम में गया था पूजन के, तो वहाँ किसी ने कहा कि खनगड़िया महादेव है। लीजिए उस दिन की वो मेरे बात बैठी रही और जब वो परीक्षा में संयोगवशात वही प्रश्न आ गया। अब सब बेचारे उसको तो पुस्तकों में पढ़े नहीं, देखे नहीं, बोले खजुराहो में तो मतंगेश्वर है, खनगड़िया महादेव कहाँ है। लेकिन देखिए वो चीज मेरे दिमाग में थी। अभी भी कहीं ना कहीं ये जो हमारे देश में हलचल होती है समाचार के माध्यम से मैं सुनता हूँ, कहाँ क्या हुआ, क्या घटना हुई, क्या क्या परिस्थितियाँ निर्मित हुई, फिर मैं उसको नोटिस करता हूँ कि आगे आने वाले समय में यही हमारे कंपटीशन में आएगा। उन सब चीज़ों के माध्यम से जो है एक करंट माइंड कहना चाहिए, हम अपने आप से भी जरूरी नहीं है प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, सोच समझ करके, विचार करके, और उससे भी हमें सफलता मिलती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आचार्य जी। देखिए फ्रेंड्स, आचार्य जी के बताए अनुसार अपना एक प्लानिंग कर लो, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं टीचर बनना चाहते हैं, और भी कोई अपना अदर अपना जो भी लक्ष्य बना रखे, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, विभिन्न प्रकार से तैयारी करते हैं, तो सभी तैयारी का एक ही मेन उद्देश्य है दृढ़ निश्चय शक्ति, आत्मबल, यानी कि आप खुद ही हो जो उसको फेस करोगे आप सफल हो, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो अपना आत्मबल बनाइए, दृढ़ निश्चय शक्ति बनाइए और उसी को लेकर आगे बढ़ते रहिए। और दूसरा ये है कि शिक्षा को अपने रियल लाइफ से जोड़ो, अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ो। जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि खजुराहो में पूजा करने गए थे, तुरंत इनके मस्तिष्क में आया कि हाँ ये ऐसे, तो अपने शिक्षा को रटन प्रणाली नहीं बल्कि उसको अंडरस्टैंडिंग बेस बनाइए, समझ कर पढ़िए। और बिल्कुल प्रेशर तो बिल्कुल ही मत लीजिए, क्योंकि जीवन में जो होना सो होना है उसमें बिल्कुल नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं आज के समय में प्रतियोगिता बहुत ही ज़्यादा हो गई है, और दूसरी बात प्रतियोगिता में भी कोई नियम कानून नहीं रह गए, कभी पेपर ही लीक हो जाते हैं और कभी रिजल्ट ही नहीं आता, और कभी आवेदन ले लिए तो 3-4 साल तक पेपर नहीं होते। तो इस स्थिति में आप लोग स्वयं जिम्मेदार नहीं है, आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए और उस चीज़ से बिल्कुल मत घबराइए, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, क्योंकि माता सरस्वती कभी किसी का ऋण नहीं रखती। ठीक है फ्रेंड्स, तो और आपसे अब आचार्य जी एक और प्रश्न हम पूछना चाहेंगे कि आज के जीवन में हमारे गुरु जी कहते थे कि बालक कर्मचारी बने ना बने लेकिन सदाचारी अवश्य बनना चाहिए, तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए पवन जी, ऐसा है ये जो आपने बात कहा, बहुत मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षा एक बेसिक नहीं होना चाहिए, हमारी शिक्षा का एक शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास हमारी भावी पीढ़ियों को होना चाहिए। हमारे जितने भी शिक्षालय हैं और हमारे जितने भी कहना चाहिए जो हमारी एक प्रणाली थी, परंपरा थी, गुरु शिष्य की परंपरा, उसको कायम रखना चाहिए। चाहे जो भी जितने भी, चाहे मिशनरी स्कूल हों, चाहे भारत की जो भी संस्थाएं हों, हमें सदाचारी विषय को इसमें समाहित करना ही चाहिए।
शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि उधर पोषण में लगे रहें, व्यवहारिक जगत से वंचित रहें। हमारे संस्कारों को हमें बनाने के लिए, हमें गढ़ने के लिए एक शिक्षा ही है जो हमें तैयार करती है। जरा गौर करिए, आज तो हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलें बहुत हैं, आने वाले माने पूर्व काल में देखिए कि स्कूलों की बात क्या, एक लालटेन नहीं थी, लोग बेचारे डिब्बी में पढ़ते थे, लालटेनों में पढ़ते थे, दूसरे के घर जाकर पढ़ते थे। और जब लालटेन आई ग्रामीण अंचलों में तो जो खंभे में बल्ब लगा रहता था उसके नीचे पढ़ते थे। लेकिन वही लोग आज एक ग्राम से लेकर ग्राम सहायक यानी कहना चाहिए सेक्रेटरी, समय सेवक और शिक्षक, पटवारी से राजस्व से लेकर आज सबसे सिरे में कहना चाहिए भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और हमारे देश के संवैधानिक पदों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल हैं, जो वर्तमान में ये सब न शिक्षा कहना चाहिए जो हमारी शिक्षा प्रणाली अभी चल रही है, न ये शिक्षा प्रणाली थी इस तरह की और ना हमारी व्यवस्थाएं थी। तो हम जो है इसको, अपनी शिक्षा को ऐसा समाहित करें जो हमारे संस्कार झलकें। हमारे संस्कार जब रहेंगे तो सनातन रहेगा, सभ्यता रहेगी, संस्कृति रहेगी और बड़ों का, गुरुजनों का सम्मान रहेगा और हम अपने व्यक्तित्व को निखार पाएंगे। इस भागदौड़ की जिंदगी में ऐसा नहीं है कि हम, यदि सोशल मीडिया हमारा है तो ऐसा नहीं है इसमें गलत है, हम यदि अच्छी चीज़ स्वीकार करें तो अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। इसके माध्यम से गुरुजनों के पास नहीं जाना, नहीं बैठते, नहीं समय देते, धर्मशास्त्रों से नहीं जुड़ते, इस माध्यम से भी हमारी युवा पीढ़ी जो है जुड़ करके और अपने जीवन को निखार, एकदम सफ़ेद बना सकती है, उज्जवल बना सकती है। माँ भगवती सरस्वती जी का जो हमें प्रतीक है, इसीलिए है पाणी को देने वाली हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उज्ज्वल हैं, धवल हैं, हंस पर विराजमान हैं, वीणा को धारण करती हैं, हमारे विवेक को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को, हमारी जो है कहना चाहिए जीवन की जो सफलताएं हैं सब उनके साथ सन्निहित हैं। इसलिए आध्यात्मिक परंपरा और सामंजस्य बैठा करके हमें जो नई शिक्षा प्रणाली है, चाहे बेसिक हो, इसको बहुत रोजगारी ही नहीं मानना चाहिए, नौकरी नहीं मिलती, जैसे पवन जी ने कहा नौकरी नहीं मिलती तो कोई जरूरी नहीं है, इसको हम अपने आप हम ऐसा भी कर सकते हैं शिक्षा प्रणाली के माध्यम से। अन्य जो है तारीखें, अन्य कार्य और नहीं है तो घर में बैठ करके मैं अभी देखता हूँ कितने ऐसे शिक्षक हैं कि अपना पूरा जीवन योगदान जो है गांव में रह करके स्कूलों को संभालने में और उनको बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। एक शिक्षक रिटायर हुए, उन्होंने अपने आल जीवन की पूरी जो जितना पीएफ फंड, जीपीएफ सब था, सब उन्होंने दान कर दिया स्कूल में। ऐसे ऐसे भी शिक्षा है, शिक्षा माने दाता है कि गांव में रह करके और स्कूलों में बच्चों को जो है पढ़ाते हैं, प्लस गांव में जोड़ करके और अपने घरों में और दूसरे के घरों में जा जा करके उस शिक्षा का दान देते हैं। और इस शिक्षा जो है कोई बिक्री वाली बात नहीं होती है, इसका, इससे हमें अपना भविष्य, हमें अपना जीवन और अपना जो है हमें कहना चाहिए ये जो मानव जीवन का मुख्य धर्म है और संस्कृति है और हमारी सभ्यता है और हमारा आध्यात्मिक जो हमारा ये आध्यात्मिक की परंपरा है, इस सबको सम्मिलित करना है, समाहित करना है और इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है। देखिए जो है आपकी सफलता आपके चरणों में रहेगी और पीछे दौड़ेगी, आपको भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसको लसड़ पसड़ नहीं बचाना, लचीला नहीं बनाना चाहिए, एक सत्य निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। जीवन को जो है मलिन नहीं, उसको उज्जवल बनाने की कोशिश करें। आप कैसे नहीं सफल हो सकते हैं, सफलता मिलेगी मिलेगी, पर उसके लिए हमें मिलने के लायक अपने आप को भी बनाना पड़ेगा शिक्षा के माध्यम से। कहीं ना कहीं व्यवहारिक जगत की जो है हमें जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उस शिक्षा को भी, सामाजिक दायरे की शिक्षा को भी ग्रहण करना पड़ेगा, तब हम अपने आप को सफल होने के लायक बन सकते हैं। बहुत बढ़िया आचार्य जी, जैसे कि आचार्य जी ने बताया अपने शब्दों में, मैं आपको एक बार फिर पुनः बता देता हूँ कि यहाँ सदाचारी की बात ये है कि जैसे कि अपन देखते हैं आज समाज में, सोसाइटी में एक से एक पढ़े लिखे लोग, एक से बुद्धिमान है, एक से धुरंधर है, लेकिन सदाचार का आचरण खो जाते हैं, वो कहीं और दूसरे रास्ते में आ जाता है। आप लोग समझ सकते हैं, मैं उसको खुले शब्दों में नहीं बताऊंगा। आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, आपकी बहुत ज़्यादा अर्निंग है, लेकिन आपकी विचारधारा दुराचारी हो गई है, तो सोचो आप कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर वही विचारधारा सदाचारी है तो कितने लोगों का हित कर सकते हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, ऐसे लोग। और आज के समय में आप लोग देख सकते हैं, ताज़ा उदाहरण है ये कि जैसे कि हैकर्स होता है, हैकर्स जो डिजिटल को हैक कर लेता है, वो अपने बुद्धि का दुराचारी इस्तेमाल करके IRCTC या ऐसी गवर्नमेंट
वेबसाइटों को भी हैक कर लेता है, तो अपने माइंड को कितना दुराचारी की तरफ लगा रहा है, तो वो कितना नुकसानदायक है। तो उसी तरह फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सदाचारी में भजन पूजन में बैठ जाइए, अपना पूरा दान कर दे। सदाचारण का ये उद्देश्य इतना सा ही है कि अपने जीवन में जो भी सदाचार आचरण है वो आप लोग सब लोग जानते हैं, आज के समय में सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपने गुरुजनों की संगत कीजिए। और ये एक सरल सी भाषा में बोलता हूँ कि रामायण और श्रीमद् भगवत गीता बेस्ट मोटिवेशनल है, इससे आपको अलावा आप कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको इसके लिए आप ये आपके घर में, और आपके घर में नहीं, आपके वीडियो के माध्यम से देखिए और एप्लीकेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं। कुल मिला जुला के इन चीज़ का अपने को अनुभव होना चाहिए। आज के समय में बहुत ज़्यादा तर्क हो रहा है कि ये सब काल्पनिक है, ये मैं तो कहता हूँ अगर इन चीज़ों को आप धर्म के रूप में भी नहीं मानते हैं, एक कहानी के रूप में भी अगर इसको पढ़ोगे तब भी आपको बेस्ट मोटिवेशन मिले। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपना भावनाएं थी। आचार्य जी, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ, आज के समय में आज के युवा लोग संस्कृति से जुड़कर रहना चाहते हैं, लेकिन जब वो कॉलेज में जाते हैं या हाई सोसाइटी में जाते हैं, आज का आप देख रहे हैं रंग रंग का बिल्कुल, हाँ, तो उसमें वो अपना जो मूल संस्कार सीखा है ग्राम बस्तियों से, ग्रामीण लोगों से, वो एक न कहीं भूल सा जाता धीरे धीरे। तो पश्चिमी सभ्यता को साथ में अपनी प्राचीन सभ्यता को बरकरार रखे, एक सामाजिक जिस बिठा के किस तरह वो अपने शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ा सकता है और अपने लक्ष्य में शामिल हो सकता है, इस चीज़ को भी थोड़ा आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। देखिए पवन जी, आपने जो कहा कि हमारी जो संस्कृति है, संस्कार हैं, और खासकर हमारे युवा जो भी, ये हमारी पश्चिमी सभ्यता मैं तो ये कहता हूँ समय के हिसाब से हम कहते हैं किसी भी चीज का हमें अनुभव होना चाहिए। पूर्व में हम देखें, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, चाहे सुभाष जी रहे हों, चाहे हमारे स्वामी विवेकानंद जी रहे हों, उन्होंने तो उस जमाने में जहाँ नामों निशान कुछ नहीं होता था, शिखर सम्मेलन में उन्होंने जो है भारत का ध्वज जो है गड़ाया, और तो ये भाषाएं कोई भी गलत नहीं होती। अनुभव, हमें अनुभव कहीं से भी ग्रहण करना चाहिए, किसी भी प्रकार ग्रहण करना चाहिए, और कभी भी किसी भी कितने भाषाओं का, अब तो बहुत कम है लोग, तो कितने भाषाओं की जानकारी रखते हैं, अनुभव रखते थे, ज्ञान रखते थे, उन्होंने इंग्लिश को सिर्फ एक भाषा में यूज किया। लेकिन हम जो है उस जो पश्चिमी, चूंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, आबो हवा उधर ऐसी थी कि मजबूरी है उनको कैसे कपड़े में, जैसे आता है कपड़ा चलता है वहाँ की सभ्यता में, हम कपड़े लिए, वेशभूषा लिए, वहाँ की मजबूरी है वो सभ्यता, वो जो हमें जंग फूड चलता है वहाँ की मजबूरी है, कि सड़ा गला खाना, कहीं पानी नहीं है तो कहीं मौसम का टेम्परेचर ऐसा आसमान रहता है, इन सब चीज़ों से उन्हें ठूस के भरना है, कहीं फ्रिजों में रखना, कहीं कुछ, उनकी मजबूरियाँ हैं, वहाँ की सभ्यता है, वहाँ का कल्चर है। लेकिन हमारा भारत देश ऐसा देश है कि विविध प्रकार की ऋतुएं, विविध प्रकार के मौसम, विविध प्रकार की संस्कृतियां, सभ्यताएं, और हमारा आम जनमानस जो है हमारी विविध प्रकार की संस्कृतियों को समाहित किए हुए, और भारत देश की जो कहना चाहिए हमारी संस्कृति है इतनी सर्वोपरि है कि पूरा विश्व जो है नतमस्तक हो गया। अभी कोरोना का ही हमें ताजा उदाहरण है। आखिर हम लोग पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में आज हमारे यहाँ कोरोना तो नहीं था कुछ ना, सब विदेशों की यात्राओं से किए, वहाँ रहे, वहाँ पढ़े, विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियाँ, विविध प्रकार के स्पर्श, जैसे इन सब चीज़ों के माध्यम से हुआ। हमारी वैष्णवी परंपरा शुद्धता थी, शुद्ध रहन, शुद्ध सहन, और रहना, खाना पीना और व्यवस्थाएं, हमारा जो है एक ऐसा कार्य था कि हर उसमें रिसर्च, हमारे ऋषि मुनि जंगलों में थे उस समय, उन्होंने एक PhD किया, रिसर्च किया, वहाँ खाक नहीं छानते थे, उन्होंने ऐसे ऐसे रिसर्च किए कि आज के वैज्ञानिक, चाहे अणु को हो, चाहे परमाणु को हो, चाहे ये कहना चाहिए इसका हो, जो जीरो का ये जो बना, हम कहते हैं कोई बना के बता दे कोई वैज्ञानिक, हमारे संस्कृति और सनातन और सभ्यता संस्कृति और हमारे वेद कि जो ऋचाएं ऋषियों मुनियों के माध्यम से ही सब हमारा जो है यह सब चला, और हमारे रहन सहन यहाँ का कल्चर एक ऐसा है ना कि वो सभ्यता जो हमारी है वो उस सभ्यता के लिए पूरी दुनिया जो है और नतमस्तक हो रही है, वहाँ के लोग आकर हमारी सभ्यता को ग्रहण कर रहे हैं। तो हम अपना वो कल्चर और हमें अपना रखना चाहिए, हमारी माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी माँ घर से बाहर निकल जाए और दूसरे को जो है घर के अंदर हम बसा लें। तो हमारी जो वाणी है, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारी माँ है, जो हिंदी और हिंदुस्तान
और हमारा संस्कृत और इस सब जो है हमारा क्या है, एक बहुत बड़ा आधार है, स्तंभ है। यदि हम उसको छोड़ेंगे तो हम पतन की ओर चले जाएंगे, गर्त की ओर चले जाएंगे। देख रहे हैं कि इतने इतने बड़े वैज्ञानिक रिसर्च और जितने भी सब चले धरे रह गए, कोई भी कुछ काम नहीं दिया। हमारी जो सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता नहीं, भारत की सभ्यता अन्य अन्य देशों ने भी लिया। अब हम कहते हैं कि अब देखिए हाथ मिलाना, अरे हमारी सभ्यता तो सबसे पहले सिखाती है हमारे बच्चों को, जैसे पवन ने कहा कि रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता। हमारी चाहे भारत की कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, भारत का यदि संविधान है तो हमारे गीता और महा और कहना चाहिए विभिन्न प्रकार के शास्त्रों से जो है सम्मिलित है। चाहे हमें जो है मनुवादी, चाहे हमारा कहना चाहिए कुछ भी कहें, बगैर न्यायपालिका है, बगैर हमारे आध्यात्मिकता के माध्यम से नहीं चल सकता, जो अन्य देशों में नहीं है। हमारा सनातन धर्म सिखाता है सारे विश्व का कल्याण हो, सारे जगत का कल्याण हो। बाकी धर्म वाले तो सिखाते हैं कि हमारा धर्म, हम सभी धर्म को वसुधैव कुटुंबकम के तहत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः के तहत, और सारे विश्व का कल्याण हो इस नारों के तहत हम लोगों का जो है यह कल्चर और यह हमारी सभ्यता है। लेकिन अन्य देशों की नहीं है, तो हमें वाणी और भाषा सीखें, लेकिन हमारी जो माँ है इस पर हम जो है गर्व महसूस करें, और उसकी जो कहना चाहिए सभ्यता है अपनी, उसको हम नहीं भुलाएं। अपने संस्कारों और अपने जो है बूढ़ों से और हमारे धर्मशास्त्रों से, गुरुजनों से जो हमें शिक्षा मिलती थी, उस शिक्षा का हम त्याग दें और बाहर की शिक्षा लें। हम कटे फटे, चाहे वेशभूषा हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह का कल्चर हो, हमें गर्व अपने आप में करना चाहिए। अन्य लोगों को देखो, हम लोग जय श्री राम नहीं करते, अरे हम लोग शर्मा जाते हैं। लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों को देखिए, कहीं भी है सलाम करते हैं, कहीं भी सलाम करते हैं डिम डिम घोष करके, भला उन्हें नहीं शर्म लगती है किसी से। हमारे गुड मॉर्निंग और ये सब ठीक है, करिए, पर जय श्री राम बोलने में हमें शर्म लगती है। हम अगर मुस्लिम भाई से बोलेंगे तो वो सलाम, उससे भी हम सलाम कह देंगे, लेकिन वो जय श्री राम नहीं बोलेगा। देखिए अपने धर्म कितना अटल है, कितना कट्टर है। तो हमारा जो है कहना चाहिए, जो व्यवहारिक जगत है, हमें हमारा तो संस्कार हमें सिखाता है, पहले सुबह उठते ही हम माँ भगवती को, धरती माँ को प्रणाम करें, माँ भगवती सरस्वती का ध्यान करें, और अपने माता को, पिता को, गुरुओं को, देवताओं को प्रणाम करें, फिर स्नान आदि हो, शीन मृत्यु होकर, और अपने जो है गृह कार्य या शिक्षा आदि। लेकिन विदेशों में सब कुछ नहीं है, इसलिए जो पवन ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता को देखिए, यदि हम ग्रहण करते हैं तो हम गर्त में जाएंगे, हमारा पतन होगा, हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार, हमारी जो है कहने चाहिए जो यहाँ की परंपरा है, विविध भाषाएं, विविध संस्कार, विविध कल्चर, विविध वर्ण और विविध प्रकार की सभ्यता, पर्व त्योहार, तीर्थाटन, और हमारे अंग अंग में संस्कृति और संस्कार बसा हुआ, जन्म से लेकर मरण तक हम हमारे जो वैदिक और सनातन और आध्यात्मिकता की झलक रहती है, उसको निकालने की जरूरत रहती है। मैं कहता हूँ कि सब कुछ है, बगैर जन्म से लेकर मरण तक उसके अंदर जो है गर्भ से ही बच्चों को हम संस्कृत और मंत्र और दुनिया भर के ऐसे बताने लगते हैं कि उसके डीएनए में भरा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश करना चाहिए। उसको हम सजग करें, पेड़ मुलायम है, उसमें जल डालें तो ठीक है, सूख जाएगा। तो हमको जो है हमारी कहना चाहिए जो शिक्षा प्रणाली है, हमारे भारत देश का जो संविधान है, और हमारे जो जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, सदगुरु हैं, धर्माचार्य हैं, जो भी हैं, उन्होंने तो अपने शिष्य मंडलियों में, अपने सभाओं में, अपने प्रवचनों में जो है ऐसी बात जरूर रखना चाहिए कि युवा पीढ़ी जो है हम ऐसा करें कि हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता को अन्य देश ग्रहण करें। हाँ, करते भी हैं, अभी तीर्थाटनों में देखिए विदेश के कितने लोग हैं। हमारी जो है वैष्णव परंपरा से तिलक धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, और हर तीर्थाटन में संत महात्मा है। लेकिन हम लोग पता नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है कोई पार्टी कोई दल ये तो अलग बात है, लेकिन अभी भी एक विदेशी महिला है श्रीमती सोनिया जी, लेकिन देखिए आप, वो एक प्रथम महिला ही कह देना चाहिए आज वो साड़ी धारण करती है। बिल्कुल है, हमारी जो है इस देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी हुई है, उन्होंने साड़ी धारण किया और अपने, तो क्या उनका कहीं कोई कमी तो नहीं आई। अन्य हमारी जो है कहने चाहिए जो भी नेत्रियां हैं वो भी ऐसा कार्य करती हैं कि जिससे हमारे समाज में एक संदेश आ जाए अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं कि उससे हमें हमारी जो है कहना चाहिए संस्कृति धूमिल हो। हमारे युवा वर्ग है या हमारे कहना चाहिए जो स्टूडेंट वगैरह हैं,
तो हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, शिक्षा को एक ऐसा महत्वपूर्ण जो है वो मानना चाहिए, मतलब सीते रहे लेकिन अपने संस्कार, बस अपने उसके माध्यम से हम इस देश की और इस मानव जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं और इस संसार के इतने शिखर पर जा सकते हैं, इतने महत्वपूर्ण बन सकते हैं कि आज देखिए अल्पायु में 40 वर्ष की उम्र में ही हमारे आदि शंकराचार्य जी ने ऐसा कार्य कर दिया, ऐसे महाभाष, ऐसे शंकर लिख दिए कि हजारों वर्ष कोई जन्म ले लेगा, कार्य नहीं कर पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी देख लीजिए कितने, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन जीना महत्वपूर्ण नहीं है, उस जीवन का उपयोग महत्वपूर्ण है, उस सब संभव है शिक्षा से और हमारी सभ्यता से और हमारे यहाँ का जो स्वयं का वातावरण है घर से लेकर के और समाज तक का, उस सब को जो सार्थक हमारा एक कहना चाहिए सूर्यवत दोष नवरज, माने हम ऐसा एक उदाहरण देते हैं कि थोथा माने थोथा एक जो कहना चाहिए जो सूपा होता है ना, सूपा से हम जो है कचड़े को बाहर कर देते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं, सार सार ग्रह गह लहे अथोथा दे उड़ाए, तो मंसूर बद दोष हमने, इसी तरह से सूपे के समान दोषों को दूर करें और अच्छाइयों को ग्रहण करें, बस यही कहना चाहिए हमारी सभ्यता है। और पश्चिमी सभ्यता में और हमारे भारतीय सभ्यता में यही अंतर है कि हम लोग इस ढंग से बनते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं और उन लोगों का कल्चर तो देखिए ना, कहीं माता ना कहीं पिता ना कोई भाई ना कोई बहनी ना कोई पत्नी, अरे जहाँ कुछ है ही नहीं, ना कोई धर्म है, ना कोई सभ्यता है, ना कोई उनका कल्चर है, ना कोई रहन सहन है, उस पर हम फिदा होते हैं और अपनी माँ को और अपनी कहना चाहिए बाहर निकाल करके दूसरे को ग्रहण करते हैं, इससे हमें जो है जीवन के दुख के पड़ाव शुरू हो जाते हैं। इसलिए सुख और शांति और जीवन का यदि आनंद चाहिए तो सनातन और शिक्षा और बड़ों का आदर, गुरुजनों का आदर, माता पिता का सम्मान और अपनी मातृभूमि पर जो है मान, इस माध्यम से जो है हम बढ़ सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स आप लोगों का भी धन्यवाद इतना समय देने के लिए। तो फ्रेंड्स ये एक इंटरव्यू नॉलेज पर्सन से बनाया गया है और आचार्य जी बहुत ही विद्वान है और बहुत ही बुद्धिमान है, इनसे इनके विचार हम लोग जानते रहेंगे। आप लोगों की रिक्वायरमेंट से आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आप लोगों को और क्या जानना है और कैसे उसको इनके साथ इंटरव्यू किया जाए जिससे कि आपके लिए एक मार्गदर्शन का काम हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आप लोगों के लिए एक और मैसेज है, क्या है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन, ऐसा मान के चलना है। शिक्षा नॉट कॉमर्शियल है, शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा ही जीवन है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए सभी सत्संग प्रेमी भाइयों के लिए बस एक इतना सा ही है, जो राम का नाम लेकर जिएंगे, जो राम का नाम लेकर जिएंगे वो दुनिया में अपना नाम अमर कर जाएंगे, ये न पूछो कि वो किधर जाएंगे, वो राम जिधर भेजेंगे उधर चले जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।